तो बड़ी खबर रीवा की, जहां बिंदु को कुछ ही घंटों बाद एयरपोर्ट के रूप में एक नई सौगात मिलने वाली है। रीवा के नए एयरपोर्ट निर्माण की लागत लगभग 239.95 करोड़ रुपए है, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां कुछ देर बाद पहुंच रहे हैं और ये भूमि पूजन होना है। यानी एक बहुत बड़ी सौगात कही जाएगी विंध्य क्षेत्र को। हमारे सहयोगी संजय दवे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, विंध्य क्षेत्र के लिए एयरपोर्ट की सौगात कहीं ना कहीं उल्लेखनीय है। कहा जाए तो लंबे समय से इसकी भूमिका बन रही थी और आज जो है जनता को एक सौगात मिलने वाली। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत लंबे समय से इंतजार था कनेक्टिविटी को, एयर कनेक्टिविटी को लेके यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, तो धीमे धीमे प्रस्ताव रखने के बाद आज इसका एक एक बहुत शुभ दिन आया है कि इसका शिलान्यास होगा, जिसमें केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य जी और मध्य प्रदेश सूबे के शिवराज सिंह सहित तमाम गणमान्य नेता, विधायक और जिले के प्रभारी मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और जनता मौजूद रहेगी। बिल्कुल, यानी जो लंबे समय से भूमिका बन रही थी उसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। क्या कुछ रूपरेखा तैयार हुई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर हम लागत के हिसाब से देखें तो 240 करोड़ के आसपास की लागत इस पूरे प्रोजेक्ट में आनी, तो ये किस तरह की भूमिका पूरी इस एयरपोर्ट निर्माण को लेकर बनाई थी? एयरपोर्ट निर्माण को लेके वहाँ पे जो आसपास से ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ प्रशासन द्वारा जो शिविर लगा के गांव वालों को मुआवजा दिया जा रहा है ताकि काम जल्दी जल्दी पूरा हो। 18 महीने का समय भी इसमें, जैसे बताया गया सूत्रों के मुताबिक, 18 माह में इसे पूरा भी होना है, तो जनता को लोकार्पित हो जाएगा। एयर कनेक्टिविटी होने के बाद में आसपास के जो विंध्य के जो क्षेत्र हैं, आपका सिंगरौली, वैढ़न और आसपास और क्षेत्र हैं, वो वहाँ पे भी आने वाले पैसेंजरों को इसका लाभ मिल सकेगा। और यकीनन ये एक बहुत शानदार उपलब्धि और सौगात होगी रीवा जैसे शहर के लिए कि एयरपोर्ट, इतना बड़ा एयरपोर्ट इतनी बड़ी लागत से बन रहा है। बिल्कुल, विंध्य को कितनी दरकार थी एयर कनेक्टिविटी की? देखिए, दरकार के मामले में क्या है, यहाँ पे ज्यादातर दरकार सिंगरौली क्षेत्र में, और जो बड़े डॉक्टर्स लेवल के हाई हाई प्रोफेसर हैं तो उनको यहाँ पे एयर कनेक्टिव ना होने की वजह से बड़ी समस्याएं जाती थी। लेकिन जब एयर कनेक्टिविटी हो जाएगी तो शायद रीवा के लिए आसान हो जाएगा, मरीजों को, बड़े डॉक्टरों का उपचार, उनकी सहायता मिल सकेगी, आने जाने की दूरी कम होगी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस को इजाफा होगा उसमें। बिल्कुल जी, तो बहुत बड़ा एक आयोजन है जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, प्रभारी मंत्री बिसाहूलाल सिंह, सांसद जनार्दन मिश्रा, राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने। अगर स्थानीय स्तर पर हम बात करें, पूर्व मंत्री है राजेंद्र शुक्ल, गुड़ के विधायक नागेंद्र सिंह, सिरमौर विधायक देवराज सिंह, मऊगंज विधायक दीप पटेल, मनगावा विधायक बंशुलाल प्रजापति। ये सूची में इसलिए पढ़ रहा हूँ संजय जी, जो तमाम चेहरे आज यहाँ दिखने वाले, निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी इसका एडवांटेज लेना चाहेगी, और लोकसभा में तो निश्चित तौर पर, क्योंकि उससे पहले इसकी तैयारी कर दी गई है कि चुनाव के पहले ही या चुनाव के आसपास ही ये सौगात जनता तक पहुंच पाए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और दूसरा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसके साथ साथ में ये शिलान्यास के बाद चोराटा हवाई पट्टी में ही एक महिला सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है भव्य रूप से। बिल्कुल जी हाँ, यानी और भी सौगातें मिलने वाली है, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तो ये रीवा को, विंध्य को और भी सौगातें उपलब्ध होंगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी तमाम जानकारी के लिए। तो विंध्य क्षेत्र के एक बहुत बड़ी सौगात एयरपोर्ट के रूप में, इसके अलावा यही एक महिला सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे, और भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री द्वारा 747.51 करोड़ के लगभग 32 जो लोकार्पण कार्यक्रम है वो यहाँ पर होने। तो विंध्य क्षेत्र के लिए एक बहुत उपलब्धि भरा दिन आज का रहने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी।